गुना और अशोकनगर की लाइफलाइन कही जाने वाली गुना बीना मेमू ट्रेन सोमवार से फिर पटरी पर दौड़ने लगी है। गुना अशोकनगर सांसद डॉक्टर केपी यादव ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। सांसद ने गुना रेलवे स्टेशन से मुंगावली तक इस ट्रेन में सफर किया और जल्द ही ट्रेन के पहले की तरह चार राउंड लगाने का भरोसा दिलाया। बता दें कि गुना बीना ट्रेन कोरोना संक्रमण काल में बंद कर दी गई थी। इससे पहले ट्रेन गुना से बीना तक चार राउंड रोजाना लगाती थी, जिसमें हजारों लोग रोजाना अशोक नगर बीना सहित तमाम स्टेशनों तक सफर करते थे। सांसद केपी यादव ने इस ट्रेन को शुरू कराने के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल लोहाटी, रेल मंत्री सहित सांसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। गुना बीना ट्रेन शुरू होने के बाद सांसद ने ट्रेन का सफर करते हुए पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने इस ट्रेन को क्षेत्र के नागरिकों के लिए रक्षाबंधन की सौगात बताई और एक दिन पहले सीएम शिवराज द्वारा कई घोषणाओं पर भी खुशी जाहिर की। ये बहुत जरूरी थी, एक तरह से देखा जाए तो इस चकड़ा ट्रेन को यहाँ के क्षेत्र की लाइफ लाइन माना जाता था, क्योंकि इसके दो तीन चक्कर होते थे और आप सभी और हम सभी जानते हैं कि बीना एक बड़ा जंक्शन है। देश के किसी भी कोने में जाना हो तो बीना से हमें ट्रेन मिल जाती है और इधर जो है गुना में भी जो है हमें जंक्शन है, तो चाहे हमें ग्वालियर जाना हो, चाहे इंदौर जाना हो, यहाँ से भी हमें ट्रेन मिल जाती थी। तो इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आना जाना इसी ट्रेन से होता था ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके, जहां भी उन्हें जाना है यात्रा करती है वहां तक पहुंच सके। तो ये ट्रेन काफी दिनों से बंद थी। मैंने दो या तीन बार सदन में भी इस चीज को लेकर मांग रखी थी और मैंने माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह किया था और हमारे लाहौटी साहब जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उनसे भी आग्रह किया था। सभी का आशीर्वाद मिला और ये मेमो ट्रेन आज जो है हमें मिली है। तो निश्चित ही यहाँ के जितने विद्यार्थी है, जितने अप डाउनर्स हैं या जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो या सरकारी जॉब करते हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी सौगात है और निश्चित ही इससे उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। जानकारों का कहना है कि किराया बढ़ने के बावजूद जल्द ही इसके घाटे में चलने को लेकर सवाल उठने लगेंगे। गुना से मृदुभाषी प्रदेश के लिए राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।